फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए हर रोज की तरह एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसी खुफिया सेटिंग आपके मोबाइल की जो मुझे उम्मीद है यूट्यूब पे अब तक किसी ने बताया भी नहीं होगा और आपने अभी तक वो सीखा भी नहीं होगा। तो क्या खुफिया सेटिंग है, क्या खुफिया राज है, वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। आपके नोटिफिकेशन बार में, मतलब ऊपर जो आपका नोटिफिकेशन बार होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पर कुछ आज आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा नोटिफिकेशन बार की कि आप उसको देख के एक बार जरूर सोचोगे कि यार ये कैसे होगा। चलो मैं पहले आपको दिखाई देता हूँ उसका खुफिया राज। ओके, अब मैं सबसे ऊपर यहाँ पर दो बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच करता हूँ, दो बार देखो। ओके, मैंने वहां पर दो बार उंगली को टच किया और मेरा स्क्रीन शॉट मेरे मोबाइल ने ऑटोमेटिकली ले लिया। एक बार फिर से ट्राई लेते हैं, दो बार देखना अलार्म लग गया, दो बार टच करूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी इसमें और भी सेटिंग्स है जो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप वे आपको कैसे करनी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो ये सेटिंग आपको कैसे करनी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहना होगा। आपको अंदर बढ़ने की या कोई बटन दबाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल आपको अपने मोबाइल के ऊपर की साइड दो बार उंगली को टच करना है, ऑटोमेटिकली मोबाइल आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा। और आपको काफी ज्यादा और भी सेटिंग बताऊंगा तो शुरू से लेकर इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहना। और ऐसी अगर आप भी अपने मोबाइल में सेटिंग करना चाहते हो तो यार प्लीज इस यूट्यूब चैनल जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज इसी तरह की वीडियोज मिलती रहेगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसी सेटिंग देखने के लिए मिलती रहेगी। और यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी ऐसी मोबाइल की वीडियो देखकर यहाँ पर अपने मोबाइल को बहुत ही इमीडिएटली बहुत स्मार्ट लुक दे सके। ओके, तो चलिए ज्यादा समय न लगाते चलते हैं वीडियो की और आपको बताता हूं ये सब्जी कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंपली इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होगी, एप्लीकेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। सिंपल जैसे ही वो ओपन होगी मैं आपको बताता हूँ वो आपको कैसे ओपन करना है। प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, दो परमिशन है दोनों अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट नंबर पर। ओके, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप क्लिक करो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके बाद यहाँ से कुछ सेटिंग्स आएंगी, मैं आपको बताता हूँ ऊपर की दोनों सेटिंग ऑन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिलता है सिंगल टैप। सिंगल टैप मतलब हो गया अगर आप एक बार टिक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं एक बार कैसे टिक करना है। सिंपल अपने डिस्प्ले पर ऊपर की साइड स्टेटस बार पे एक बार टिक करना है। ओके, जैसे मैंने टिक किया अलार्म का ऑप्शन आ गया, आपने अभी देखा होगा यहां से, और यहां से आप अलार्म का ऑप्शन अपना ऑन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको यहां पर दूसरी सेटिंग बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर किया है डबल टैप, अगर आप करेंगे ध्यान से देखो तो स्क्रीन शॉट लेगा, मैं आपको दिखाता हूं डबल टैप करके। जैसे मैंने यहां पर दो बार लिया तो स्क्रीन शॉट मेरे मोबाइल ने ले लिया ऑटोमेटिकली। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको यहां पर तीसरी सेटिंग दिखाता हूं अपने इसकी जो मैंने की हुई है। तीसरी सेटिंग है इसकी यहाँ पर लॉन्ग प्रेस, अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूं तो यहाँ पर हमारे रिंगटोन की जो वॉल्यूम है, सेट रिंगटोन उसकी जो वॉल्यूम है उसको आप अप डाउन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे स्वाइप लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट की साइड अपनी उंगली को लेकर जाता हूं तो सेटिंग का ऑप्शन ओपन होगा। मैं दिखाता हूं आपको, जैसे मैंने इधर से किया ये हमारा यहां से हो गया। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, अगर मैं इधर से लेके जाऊंगा तो इधर से हमारा ये डबल टैप स्क्रीन ले लेगा। ओके, डबल टैप कैसी होती है देखिए, जैसे आप अभी देख रहे हैं। ओके, आधी हमारी अलग से हो गई प्ले स्टोर खुला है और आधी हमारी होम पे, यहां पर चाहते हैं आप कुछ करना तो वो आप कर सकते हैं इस तरह से। ओके, आधी पे आप कुछ भी कर ले नीचे की साइड और आधी पे आप जो आपका दिल करे वो करे। ओके, तो यहां से ये हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर अलग सेटिंग और मैं आपको अगली बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्विक एक्सपेंड, यहां से अगर आप उसको नीचे की साइड लोगे तो यहां से अलग तरह के ऑप्शन आएंगे। तो ये सब सेटिंग आप कैसे करेंगे, आप इसको जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे परमिशन देंगे, यहां पर सबसे ऊपर आता है सिंगल टैप, यहां पर जो आपका दिल करे इनमें से वो सेटिंग लगा सकते हैं, यहां पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर अगर सेटिंग दूसरे नंबर पर आएंगे तो डबल टैप पे यहां पर इस तरह मिल जाएंगे, इनमें से जो भी दिल करे, मान लो आप चाहते हैं एक टैप करने से व्हाट्सअप ओपन हो जाए व्हाट्सअप हो जाएगा, आप चाहते हैं यहां पर लॉन्ग प्रेस करके यहां पर कुछ और ऑप्शन हो जाए, टॉर्च जल जाए हमारे मोबाइल की या कुछ भी हो जाए, वो सब चीज कर सकते हैं। तो यहां से आप जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे, मान लीजिए दो बार टैप करते हैं स्क्रीन शॉट खुल गया, एक बार टैप करेंगे अलार्म लग गया, इस साइड से लेंगे लॉक लग जाएगा, इस साइड से लेंगे डिस्प्ले बंद हो जाएगी, ये सब चीज यहां से आप कर सकते हैं। तो यार मुझे उम्मीद है आपको काफी अच्छा समझ आ गया होगा, एक बार जरूर इसका ट्राई करें, काफी अच्छा लगेगा। किसी को भी आप दिखाओगे तो एक ही बात बोलेगा, भाई आप यार यहाँ पर टच करके कैसे अपनी फ्लैशलाइट जला लेते हो या अपनी व्हाट्सएप ओपन कर लेते हो। यहाँ से इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं, जैसे भी आप ऑप्शन इसमें लगाना चाहेंगे जो भी है वो सब लगा सकते हैं, कि लेफ्ट ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, राइट ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे इसमें आप ऑप्शन लगा सकते हो। तो यार मुझे उम्मीद है आपको काफी अच्छा समझ आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा।